कुछ दिनों पहले मैंने बस Realme Buds और Xiaomi के MI Neck Band की बस अनबॉक्सिंग की थी, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देख लो पहले तभी मजा आएगा वीडियो। तो मैं बता दूं कि उस दोनों की अनबॉक्सिंग में मैंने बताया था कि बैटरी बैकअप कैसा है और साउंड क्वालिटी कैसा है, लाउडनेस कैसी है, बेस कैसी है, दोनों के बारे में बताए थे। लेकिन कंपेरिजन करूंगा मैंने बोला था दोस्तों, तो आज इसका कंपेरिजन करने वाले हैं, जो कि है Xiaomi का नेक बैंड और एक है Realme Buds। दोनों में काफी अंदर तक घुस के हम इसका लड़ाई कराएंगे, मतलब युद्ध जमाएंगे, तो देखते हैं कि कौन जीतता है, किसका है जीत होता है, किसका होता है पराजय। तो यहाँ पर हम करते हैं Xiaomi के, मतलब यहाँ पर Realme Buds का और एक है यहाँ पर Xiaomi का। पोपट हो गया ना, पोपट हो गया ना अपना, और क्या, हंसो मत, चलो। हाँ, तो करते हैं हम इन दोनों की मतलब रिव्यू कंपैरिजन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी कुमार और आप देख रहे हैं द एसनी चैनल, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है Xiaomi का यहाँ पास MI Neck Band और एक है Realme Buds, जो कि Realme Buds में आपको पता है कि लुक कैसा है, मतलब अच्छा लुक मिल जाता है। लुक की बात करें सबसे पहले, तो लुक में यहाँ पास येलो कलर का वायर मिलता है, जो कि Realme में है। इसके वायर में काफी अच्छा लाइनिंग लाइनिंग से एक मिल जाता है दोस्तों, जो कि एक इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब क्वालिटी भी एक प्रोवाइड कराता है, अच्छा सा क्वालिटी, जिसको आप लोग मोड़ोगे भी तो मतलब एक सॉफ्ट सा फील होता है। लेकिन यहाँ पास हम आते हैं Xiaomi के नेक बैंड में, तो इसका जो वायर है वो उतना खास नहीं लगा मेरे को, मतलब एक नॉर्मल सा वायर जो बिजली में यूज करते हैं, चार्जर में रहता है, वैसे ही लगा दोस्तों, क्योंकि 200-300 वाले ईयरफोन्स में भी ऐसा वायर प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज। तो मैं बात करूं इसकी नेक वाले, मतलब हम इसके बिल्ड क्वालिटी में नेक वाले डिजाइन की बात करें, तो जो कि Xiaomi का नेक का डिजाइन है काफी फ्लेक्सिबल है, रहने के लिए भी सीधा हो जाता है, थोड़ा चौड़ा है बस Realme के नेक वाले डिजाइन से, जो कि देखो दोस्तों पतला सा है वायर की तरह, जो कि ये भी पूरा फ्लेक्सिबल है दोस्तों, लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में। लेकिन इसका चौड़ा डिजाइन उतना मेरे को खास नहीं लगा, पतला सा स्लिक डिजाइन ये बस Realme प्रोवाइड कराता है अपने Realme Buds में। लेकिन यहाँ पर Xiaomi का उतना अच्छा क्वालिटी है, बस बिल्ड क्वालिटी अच्छा मेरे को नहीं लगा। वैसे 1500 के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन थोड़ा वायर की क्वालिटी तो अच्छी देनी ही थी Xiaomi के। बटन की बात करें, जो कि रिमोट कंट्रोल के दोस्तों, इस तरीके आपको बटन मिल जाता है, स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसका बटन का जो कि डिजाइन है काफी मतलब अटपटा सा है, मतलब दबाने में उतना फील नहीं होता, मतलब एक पटर पटर सा साउंड करता है, जो कि लोकल वाले मतलब ईयरफोन्स में मिलते हैं। Xiaomi को पता नहीं क्या हो गया, मतलब चीप क्वालिटी में बस प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लगता है कि सस्ते में हम प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे और पागल तो है जनता, तो खरीदेंगे। तो बस मैं Realme की बात करूं, तो Realme ने भी 1800 में काफी अच्छा ईयरफोन लॉन्च किया है। इसमें बटन की बात करें तो काफी अच्छा है दोस्तों, इसमें प्रिंट भी दिया है प्लस माइनस, और एक मतलब प्रीमियम से फील होता है Realme वाला ईयरफोन, जो कि मैं बताऊं कि OnePlus का बुलेट जो कि आता है बुलेट टू वायरलेस, उससे भी काफी अच्छा लगा मेरे को बस Realme Buds। अब इसकी हम बात करें जो कि है ड्राइवर की, तो ड्राइवर के डिजाइन देखकर दोस्तों यहाँ बस कान में फंसाने के लिए बस जो कि टिप्स अलग से लगे हुए हैं, और मतलब पीछे से भी आपको Realme का ब्रांडिंग दिखता होगा इसमें, और तो ये काफी अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पर Xiaomi में नॉर्मल सा बड्स ही दिया गया है, और जो कि एक पुराना ओल्ड डिजाइन जो कि पुराने Xiaomi के ईयरफोन्स में आते थे वैसा ही है, तो एक मतलब मजा नहीं आया दोस्तों। Xiaomi को कुछ नया करना चाहिए था यहाँ पर, बस दूसरे का चेप के लगा दिया है अपने में। और ये बस Realme की बात करूँ, तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये मिलता है दोस्तों कि आप इसको चिपका देते हैं तो ये बंद हो जाता है, मतलब इस तरीके से, जो कि मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ पर चिपक गया तो एक बंद हो जाता है दोस्तों ईयरफोन, और इसको निकालने से ऑन हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है Realme के साथ में। और मैं बताऊं, Xiaomi का जो कि मैग्नेट है उतना खास नहीं लगा मेरे को, उसका मैग्नेट उतना पावरफुल नहीं है जितना इसका पावरफुल है। और मैं बात करूं बैटरी की, दोनों की बैटरी काफी अच्छी है दोस्तों, जितना लिखा गया उससे उतना के आसपास चल ही जाता है, स्टैंड बाई चलाओगे तो और भी ज्यादा चलेगा। तो Xiaomi की बैटरी यहाँ पर 8 घंटे की दी गई है, जो कि चलाते रहोगे लगातार तो 8 घंटा चलेगी ऐसा बताया गया है, लेकिन लगभग 7 घंटे के आसपास इसका बैटरी बैकअप दे देता है, 6 से 7 घंटा। लेकिन जो कि Realme Buds है वो बैटरी के मामले में भी आगे रहता है इस मतलब Xiaomi के MI Neck Band से, जो कि दोस्तों ये 9 घंटे के आसपास ये बैटरी बैकअप दे देता है, 9 से 10 घंटा का बैटरी बैकअप, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे तो बॉक्स में 12 घंटे का बैटरी बैकअप लिखा गया है, लेकिन 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये Xiaomi दे देता है। तो आप लोग यहाँ पास मूवी देख रहे हो, लगातार 4-5 मूवी देख लिया, वैसे तो 4-5 नहीं देखते लेकिन देख रहे हो, तो काफी अच्छी बात है कि Realme Buds यहाँ बस आपको काफी अच्छा बैटरी लाइफ दे देगा। प्राइसिंग भी दोनों की अलग अलग है दोस्तों, बस प्राइसिंग है 1500 रुपए का आपको Xiaomi का नेक बैंड मिलता है, लेकिन Realme Buds आपको मिलता है यहाँ बस 1800 रुपए में, तो 200 रुपए का ऊंच नीच है यहाँ बस, सॉरी 300 रुपए का, लेकिन 300 रुपए में आपको ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा बैटरी लाइफ वाला, ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला या बस एक ईयरफोन मिल रहा है, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप Realme Buds ही लो, Realme Buds ज्यादा बेटर है। तो यहाँ बस Xiaomi नेक बैंड को हम किनारे रखते हैं, Xiaomi नेक बैंड मुझे भी नहीं पसंद आया पर्सनली, तो यहाँ बस Realme Buds यहाँ बस ज्यादा अच्छा लगा मेरे को Xiaomi के
कंपैरिजन में। तो लंबा वीडियो नहीं करते दोस्तों, यहाँ बस नॉर्मली वीडियो बना रिव्यू किया मैंने, यहाँ बस कंपैरिजन किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए थोड़ा फ्रेंड्स लोग में, गर्लफ्रेंड वगैरह उसको भी शेयर कर दो, क्योंकि वो तो आपको सुनेंगे ही ना। तो अगर नहीं सुनते हैं तो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करा दो अपने साइड से 2-4 रुपए के। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मेरे साथ बने रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय। बाय।